देखो इसके ओझ पर ना कुछ भी नहीं करती है, सुबह उठ के बस लगी है। और ये पता नहीं क्या है भाई, इसको लगाती है ये रात को भी और सुबह भी है। के जानी थोड़ी पुलवा के दस रहा है। और इसके पहले मिनट पहले मुझे बोल रहे थे बापुन क्या हाल देखिए, वही सेम चीज भाई। मैं भी देख रहा हूँ कि क्या ओझ पन करके क्या होता है, मैं देख रहा हूँ। देखो देखो रात को भी लगा लेती है सोते हुए। अब आप क्यों कर रहे हो मेरी चीजें कॉपी? मैं देख रहा हूँ कि क्या होता है। देखो देखो इनके हाल। शरणे क्या है? नींबू की बात। नींबू होना था इसको बोलते हैं असली ओचपन। ना अभी मैं देखो ट्राई कर रहा हूँ, ओचपन तब ले लूंगा मैं अगर ओचपन। भला अब एक बात बताओ कि दिहाड़ी लगाने वाला बंदा जो है ना, इतनी महंगी चीजें कैसे ले सकता है? और दिहाड़ी लगाने वाला आदमी काला ही रहेगा क्योंकि धूप में भी काम करना पड़ता है, छाया में भी काम करना पड़ता है, ऐसा होता है ना? जो आप करते हो वो भी इतनी होती है बस। ये अगर महंगा है तो चलता भी उतना है दिन में। कितने दिन चलो? 4-5 महीने। आओ मणकू फन, कैसे हैं आप लोग? देखिए अभी मैं खेत में आ गया हूँ, खेत हमारे खाली हैं। आप लोगों को पता है कि गेहूं जो है हमने सारी निकाल दी है और अब जो है बारी आ गई है मक्की का बीज बोने की। तो बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी है ना, कई महीने हो गए हैं। और पिछले कल थोड़ी सी बारिश हुई थी और फिर परसों भी थोड़ी सी बारिश हुई थी रात को। और फिर मतलब जो बात कहते हैं ना बाच, मतलब जो नमी है खेतों में वो थोड़ी सी हुई थी। और आज पूरा दिन 3 बजे तक जो है वो कंटिन्यू बारिश हुई, थोड़ी थोड़ी हुई पर हुई। तो अभी जो है वो काफ़ी नमी हो चुकी है खेतों में। अब बीज बोने की बारी आ चुकी है, फिर हम क्या करेंगे कि अभी मक्की का बीज बोएंगे, पर आज नहीं कल या परसों तक, क्योंकि अभी हमारे पास बैल नहीं है ना, वो बेच दिए हमने। तो बीज बोएंगे। और बहुत जगहों पे जो है वो आग लगी हुई थी वो भी बुझ गई, भगवान तेरा शुक्र है। और जितने भी ज़मींदार लोग हैं वो ये सोचते हैं कि अभी तो ना भगवान को मत्था टेक रहे हैं, उन्हें भगवान भगवान बहुत बहुत धन्यवाद टाइम से बारिश कर दी। एक्चुअली होता ऐसा है कि मतलब पहले जब सूखा पड़ा था तो भी ऐसा सोच रहे थे भगवान बारिश कर दे ताकि हमारे खेतों में जो है वो कुछ ना कुछ हम बोए और वो हो जाए। और इतनी जगहों पे लगी थी आग, कितने जीव जंतु जो है वो जल के भस्म हो गए आग में। तो अभी जो है वो सभी मतलब आग भी बुझ गई और खेतों में नमी भी हो गई। तो भगवान को एक का फिक्र नहीं होता है, सभी का फिक्र होता है। तो
इससे बढ़कर कोई है भी नहीं। और एक आदमी के लिए नहीं करता भगवान, सभी के लिए एक बराबर चलते हैं। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम भगवान का, है ना। चलिए फिर आज देखते हैं फिर वीडियो में और क्या है। तो बस मैं यही दिखाने यहाँ आया था कि बहुत दिनों बाद जो है वो बारिश हुई और बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडा ठंडा मौसम यहाँ पे और सुहाना सा मौसम बना है। और फिर अभी ना बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ, अभी भी आकाश में जो है वो बैक कैमरे से क्या ऐसे ही देख लो आप, बहुत सारे बादल है, काफ़ी बादल हैं। तो लगता है कि अभी बारिश गई नहीं है, फिर दोबारा से जो है बारिश होगी। पर अच्छी बात है, अगर बारिश हो जाती है तो बढ़िया हो जाएगा, है ना। चलिए फिर, ये कितना साफ जैसा मौसम दिखता है बारिश के बाद जो, कितना साफ सुहाना जैसा मौसम हो जाता है ना। और इधर उधर मतलब धुंध जैसी नहीं होती है, बिल्कुल साफ हो जाता है, बिल्कुल स्वच्छ दिखने लगता है। और पेड़ पौधों पे भी जो धूल बैठी होती है ना, वो भी बिल्कुल साफ हो जाती है। वाह यार मस्त लग रहा है। और ये देखिए आप, आकाश में अभी भी जो है वो बादल हैं और अभी बारिश गई नहीं है शायद, हो सकता है फिर दोबारा से अभी बारिश हो, है ना। तो देख पा रहे हैं ना आप कितना अभी बादल ही बादल है ना, कहीं कहीं पे बादल नहीं है पर अधिकतर जो है वो बादल ही बादल है। जैसा मैंने आपको बताया कि बारिश हो चुकी है और नमी जो है वो खेतों में हो गई है, तो अब सबसे पहले जो है ये जो गोबर की खाद है इसको हम खेतों में डाल देंगे जितनी भी हमारे पास होगी। तो ये जो सूखी सूखी है इसको हम अरबी के लिए जो है वो रख देंगे, क्योंकि अरबी के लिए भी बहुत ज़्यादा ये खाद चाहिए होती है। और जो बचेगी ये काली काली सी जिसको लिद्दू बोलते हैं हम अपनी भाषा में, उसे जो है और खेतों में डाल देंगे। तो ये सूखी पत्ता क्यों डालते हैं, ताकि ये पूरे खेत में हो जाए, जितने हमारे पास अरबी हो या वो गंडेलिया हो अदरक हो उनके लिए, तब ये रखते हैं कि ये मतलब फैल जाती है अच्छे से। और दूसरी अगर बहुत ज़्यादा हो काली खाद तब तो वो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन ये सूखी खाद जो है तब डालते हैं ताकि ये ढक जाए ऊपर से, मतलब ढकरेऔन बोलते हैं उसको, ढकरेऔन हो जाए और उसकी जो अंकुर आए हैं जैसे अरबी में या किसी भी चीज़ में, तो वो धूप से जले ना। तो ये देखिए अभी हम इसको ढो लेते हैं। ये निकल गई अभी काली खाद जो है वो, अब हम इन खेतों में डाल देंगे थोड़ी सी, इसी खेत में डालेंगे, इन खेतों में क्या, इसी खेत में डाल देंगे। तो इसे ऐसे जो है वो पूरे खेत में फैला देंगे ताकि मतलब खेत में जो है बराबर जैसी हो जाए। और ऐसे हमने जो है वो ढेर लगा दिए, ये देखिए। तो ऐसे ही हम इसको फैला लेंगे। तेरी को
हरिदा नाल मनाइए चढ़ने लगी